हेलो फ्रेंड, आपको सोनम की ज़िंदगी में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। तो हो रही है अभी 6 o'clock मॉर्निंग। सो अभी मैं यहाँ पे नहा हुआ के पूजा करने आ गई हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। सो आज मैं साड़ी वेयर की हूँ आप सबका रिक्वेस्ट पे। सो मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी पे, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। मैंने इसके पहले हाँ एक ब्लॉग में और पहनी हूँ, वेयर की हुई रेड कलर से, लेकिन आप सबका रिक्वेस्ट था तो मैं फिर से वेयर की हूँ। सो मैं यहाँ पे तुलसी जी का जल चढ़ाने आ गई हूँ। सो मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने चली जाऊँगी किचन में। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने सब्जी वगैरह काट उठ के रखी हुई थी, और कुछ कुछ काटना था क्योंकि हम सबका तो वही है ना कि मॉर्निंग अपना ड्यूटी लग जाओ सुबह सुबह खाना बनाने का। तो हर लेडीज़ का रंग क्या बोले एकदम काम रहता है सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी आलू परवल की सब्जी और रोटी। तो आई थिंक इस समय मेरे घर में अभी कोई नहीं है क्योंकि सब चले गए हैं अपने अपने काम से। सो मैं यहाँ पे अकेली पड़ गई हूँ, तो मैं आज मैं अकेले ही नाश्ता बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सब्जी के लिए चॉप कर रही हूँ टमाटर एंड
ओनियन, यहाँ पे मैं बच्ची की दूध भी दे दी हूँ क्योंकि वो है मेरे पास, वो भी जा रही है, थोड़ी देर में वो भी निकल जाएगी दादी माँ के साथ, सो मैं उसे दूध भी दे देती हूँ। और यहाँ पे ओनियन और टमाटो चॉप कर लिया मैंने सब्जी में देने के लिए, उधर मैं परवल को फ्राई कर रही हूँ क्योंकि सबके लिए नाश्ता बनेगा, पर वो भी सुबह सुबह कहीं गए हैं, मैं यहाँ नाश्ता बना के रख देती हूँ। सो यहाँ पे मैं हल्दी निकाल रही थी क्योंकि हल्दी और धनिया एकदम पूरा फिनिश हो गया था, सो मैं यहाँ से हल्दी और धनिया भी निकाल के ढाल लूँगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था, तो मैंने सब चिमटे के ख़त्म कर दिया, सो मैं निकाल ही देती हूँ लगे हाथ के, फिर उसके बाद कोई बन मतलब कि जब खाना बनाने लगा तो है ही नहीं जल्दी जल्दी कि, तो मैं यहाँ पे भी निकाल देती हूँ कि दिक्कत ना हो बाद में सब्जी बनाने में, कभी हल्दी ना हो तो कभी धनिया ना हो तो कभी नमक ना हो, तो मैं यहाँ पे कर दूँगी घर में अच्छे से रख दूँगी। यहाँ पे मेरी परवल की परवल भुजा गया आई थी, तो अब मैं बनाऊँगी सब्जी आलू परवल की, तो यहाँ पर मैंने छोक रही हूँ सब्जी, तो छोक लगा दूँगी उसके बाद मैं इधर रोटी बना रही हूँ तो क्योंकि जल्दी जल्दी बन जाएगा खाना, बहुत काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि नहाई पूजा की, पहले झाड़ू लगाई नहाई पूजा की, बहुत टाइम हो गया था फिर नाश्ता बनाने में, सो आई थिंक यहाँ पे 8:00 9:00 हो गया था, सो आपको सब बना दूंगी उसके बाद आप सुन लेते। Thank you.
नाश्ता बनके हो गए रेडी, तो मैं अब किचन को क्लीन करूँगी। तो ज़्यादा सामान जहाँ पे रखा वहाँ पे उसको रख दूँगी इधर उधर होना, तो मैं यहाँ पे किचन क्लीन कर लूँगी। तो थोड़ी सी बर्तन होगी, थोड़ी सी डिब्बड़ी भी होगी, सबको मैं क्लीन कर दूँगी। तो खाना बनाने के बाद किचन मैसी हो ही जाता है, कितना भी क्लीन से दीजिए लेकिन थोड़ा बहुत ही मैस दे सकते मेरे हाथ से कितना मैसी होता है। तो मैं यहाँ पे किचन गंदा हो गया था, तो मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ, लगे हाथ क्लीन भी हो जाएगा, सो किचन अच्छा भी लगेगा, फिर दोपहर के खाना बनने में उतना दिक्कत नहीं होगी। सो मैं यहाँ पे कुछ बर्तन लिया था, सो मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मक्खी उक्खी लगते रहता है, किचन भी अच्छा नहीं लगता है। बर्तन क्लीन हो जाता है, बेसिन भी साफ हो जाता है तो अच्छा लगता है। पता नहीं यहाँ पे अंधेरा कैसे हो गया था, मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन कर रही थी पर पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, शायद लाइट थी पर पता नहीं फोकस खिड़की से फोकस के कारण से अंधेरा अंधेरा आ रहा था, तो डोंट माइंड कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा तो शायद शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू टू, सी यू, टेक केयर।